हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर समुद्री की आवाम भी फट पड़ी। शहरी कहते हैं आवाम की जानिब से रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। आवाम दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिस रही है। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं अब्दुल्हई सबासी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 17 रुपये 20 पैसे के इजाफे पर फैसलाबाद की आवाम फट पड़ी। ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क में कोई हुक्मरान ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम आवाम किधर चले जाएं? ये जो गरीब आवाम है उसे मजदूरी नहीं मिल रही, आटा लाइन में लग के, पेट्रोल लाइन में लग के, बिल लाइन में लग के, हम किधर चले जाएं? जी, ये हमारी हुकूमत को और सरकार को ये चाहिए कि ये जो हर महीने ब महीने ये पेट्रोल मसनूआत में इजाफा कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें। मेहरबानी करके, पाकिस्तानी आवाम पहले ही महंगाई का शिकार हो चुकी है। अगर ये इसी तरह करेंगे तो हम जैसे जो कमजोर आवाम है इसका जीना मुहाल हो जाएगा। आम का कहना है हुकूमत की जानब से रिलीफ देने के वादे किए जाते थे लेकिन हुकूमत के दावे दरे के दरे रह गए हैं।